कैथल के लघु सचिवालय में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की अध्यक्षता में जिला भर के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को जनता के काम ईमानदारी और पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अफसरों को हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने के लिए भी प्रबंध किया गया। बैठक में मौजूद कैथल के विधायक लीला राम गुज्जर ने पत्रकारों को पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। लीला राम गुज्जर ने अलग से कैथल के एसपी से मिलकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में बात की। आइए सुनते हैं। जी, पहली मीटिंग थी। इस मीटिंग में माननीय मंत्री श्री कमलेश ढांडा जी आए थे, मैं उनके साथ था और कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारी थे। हमने सभी अधिकारियों से यही बात की, मैडम ने यही बात कही कि भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं, कैथल की जनता है, उनका कोई भी काम है, किसी भी विभाग का, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर बैठे हों, हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और मैडम ने ये भी कहा भी बिल्कुल पारदर्शिता से काम होना चाहिए। इसके बारे में ही विस्तार से और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो काम अधूरे हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, विशेषकर जैसे रास्तों का, सड़क का, इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। इस बात पर हमने मीटिंग में भी चर्चा की थी और इसमें मैं अलग से अभी एसपी साहब से मिल करके अलग से बात करके आया हूँ और अपने तरीके से करके आया हूँ। मैंने ये भी कहा कि मैं मीटिंग में जानबूझ करके नहीं बोला, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। हाँ, मैंने हाँ कहा उनको जी भी लॉ एंड ऑर्डर से इससे कोई समझौता नहीं होगा, कभी कोई फिर चाहे बुरा माने। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। कैथल की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।